हेलो बच्चों, देखिए बेटा, हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही बहुत अच्छा मौका, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर की आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा, जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं, और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। आज बेटा जी, हम आपके लिए लेकर आए हैं मोनेरा, है ना भाई? मोनेरा, मोनेरा ग्रुप है हमारा, जो कि काफ़ी वास्ट ग्रुप है, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं। आज हम इसके करेंगे कुछ क्वेश्चंस, देखेंगे भाई कैसे हैं, कितने हैं। आज हम इनके क्वेश्चंस पर नजर डाल के देखते हैं। ओके, चलिए भाई देखते हैं। एक्सपैंड PPLO, PPLO क्या है, याद करो। हाँ जी मैम, याद आया कि PPLO तो एक तरह का माइकोप्लाज्मा था। माइकोप्लाज्मा, PPLO इज अ टाइप ऑफ ई माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा था ये PPLO। शूडो प्लैनेट, याद है, बिल्कुल, लोकोमोटिव ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग है, और इसके पास सेल वॉल भी कैसी है बेटा जी, एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बिल्कुल याद आया ना बच्चों को, वेरी गुड, ऐसे ही याद आना चाहिए। और बेटा, अगर आपको एक छोटी सी बात, अगर आपको आपको नहीं आ रहा, नहीं याद है, तो आप हमारी इस चैप्टर का पूरा वन शॉट अवेलेबल है बेटा, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे आइकन पे क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हर चीज़ अवेलेबल है बेटा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, तो आप उसको देख लीजिए और उससे कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग तो क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक बार फटाफट से हम यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को देखते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, क्या क्या हमें यहाँ पर करना है। इसमें तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, और वो भी कौन से ग्रुप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेटा जी, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ग्रुप मोनेरा के क्वेश्चंस, जिसमें पहला हमने देखा माइकोप्लाज्म वाला। देखो, PPLO मीन्स प्यूरो न्यूमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार PPLO की आपको सिंपल कहते हैं कि इसको एक्सपैंड करके दिखाइए, तो आप ऐसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट, नेम द मेजर ग्रुप ऑफ द मोनेरा। भाई मोनेरा में कौन कौन आते हैं, तो मोनेरा में आई थिंक बेसिकली दो ही ग्रुप मेजर ग्रुप हैं, एक आपका है यू बैक्टीरिया ग्रुप, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, जिसकी सेल वॉल हमें पता है पेप्टिडोग्लाइकन की हुआ करती है, जिसकी सेल मेम्ब्रेन बाईलेयर है, जो कि हमेशा बाईलेयर ही होती है, ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर भी एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर भी एब्सेंट है। फिर इनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो यहां पर सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए है इनका यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। दूसरा ग्रुप है यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया, जिसमें थोड़े डिफरेंस हैं, बिल्कुल याद आ रहा है ना, इस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्लबूस ने इसको एक अलग डोमेन में शिफ्ट किया था, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसमें बिल्कुल यहाँ पे अलग पाए गए थे। क्या क्या है आर्की बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स, तो भाई इसकी जो सेल वॉल है वो शूडो पेप्टिडोग्लाइकन है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन जैसी जैसी है, पर पूरी वही नहीं है, शूडो पेप्टिडोग्लाइकन की है। सबसे खास बात ये थी इसमें कि हर कोई सेल मेम्ब्रेन बाईलेयर ले रहा है, तो भाई ये ले रही है मोनोलेयर, जो कि हर किसी के में बाईलेयर होते, पर इसकी कैसी थी, मोनोलेयर, जो कि सबसे ज़्यादा खास बात में गिनी जाती है। फिर ये इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट है, और जेनेटिक मटेरियल तो न्यूक्लियोइड है, सेम ही फॉर्म में। देख लो एक बार ही कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो मेजर टू ग्रुप्स आर द बैक्टीरिया, जिसको यू बैक्टीरिया में गिन लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया, और एक है साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसकी सेल वॉल सेलुलोस की बनी होती है, जिसकी बनी होती है सेलुलोस की बनी होती है,
ठीक है बेटा। सेलुलोसिक टाइप क्या होती है बेटा जी, यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है और ये बैक्टीरिया ज्यादातर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता हुआ हमें दिखाई देता है और ये थैलॉइड होता है, चपटा पड़ा रहता है, स्लिमी सा होता है, चिपचिपा सा ऐसा, ठीक है, स्लिमी स्लिमी सा। तो मैम ने इसके वो ही बता दिए। अच्छा, अब आपको फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में बताना है, तो फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन अ सनलाइट एंड दिस अकर बोथ इन अ डे एंड अ नाइट, क्योंकि भाई कीमोसिंथेसिस का मतलब है कि केमिकल्स के द्वारा खाना ऑब्टेन किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट के द्वारा खाना लिया जाएगा। अब भाई जब कीमोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए ही नहीं तो काय को दिन, क्या दिन और क्या रात इनके लिए, सब कुछ एक है। इनके लिए लाइट नेसेसरी है, इनके लिए लाइट नेसेसरी है, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट होना चाहिए, यहाँ पर लाइट नेसेसरी नहीं है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरिया वाला क्लोरोफिल होता है बैक्टीरोविरिडिन, ऐसे टाइप के, विच हेल्प इन ट्रैपिंग, जो कि ट्रैप करते हैं किस चीज़ को, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, एंड देन फूड बना के उनको कन्वर्ट करते हैं केमिकल। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। फिर इनका जो सोर्स होता है वो इनऑर्गेनिक होता है, और इनऑर्गेनिक में भी सोर्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। बैक्टीरिया है ना, H2S है और प्लांट में H2O हुआ करता था। फिर यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग मीडियम, हमारे मीडियम में। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी नाइट्रेट, नाइट्राइट, इनका कभी ऑक्सीडेशन होकर ये अमोनियम फॉर्मेशन, सॉरी अमोनियम से जब इनका ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, तो इस ऑक्सीडेशन के दौरान जो यहाँ से एनर्जी निकलती है जिसको हम ATP की फॉर्म में देखते हैं, उस एनर्जी की मदद से ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। सोर्स इनका भी इनऑर्गेनिक है, पर इनका सोर्स क्या है, मोस्टली नाइट्रोजन, और ये न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प कर देते हैं, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्प कर देते हैं, कौन कौन सी, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जैसी। ओके, फिर आर्की बैक्टीरिया क्या है, पॉइंट अभी डिस्कस किए, फटाफट लिख लेते हैं क्या है। तो सम बैक्टीरिया सर्वाइव इन दी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, भाई मतलब कैसी कंडीशन दे दो इनको, ये उसमें हमारे लिए जो होता है ना बुरा टेम्परेचर, भाई गर्मी, हाई गर्मी, कितना गर्मी हो रही है, हाई कितनी गर्मी, कितनी गर्मी, इनको तो पसंद है वो। कुछ एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में तीन प्रकार के थर्मो एसिडोफिल्स एक तो है थर्मो एसिडोफिल्स कौन से हैं, ये वो हैं जो कि एक्सट्रीम हीट और एसिडिटी में सर्वाइव करते हैं। एक्सट्रीम हीट चाहिए और एसिडिक कंडीशन चाहिए इनको सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हमारे हेलोफाइल्स भी हैं, हेलोफिल्स, जिनको एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन चाहिए, जो कि समुद्र से भी ज़्यादा सॉल्टी होनी चाहिए, जैसे ब्लैक सीज वगैरह आते हैं, ऐसी कंडीशन चाहिए भाई इनको। देखो मेरा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बिना रह लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन दी हाई एसिडिक और अल्कलाइन पीएच, एक्सट्रीम एसिडिक, एक्सट्रीम पीएच में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। और सेल वॉल नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन की है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन लैक है, तभी तो शूडो लिख रहे थे, फॉल्स। This allow them to survive in the extreme condition. और इसी की वजह से ये इतनी भयानक conditions में भी क्या कर लेते हैं, survive कर लेते हैं, ठीक है। चलो, classify bacteria on the basis of the shapes. तो shapes के हिसाब से classify करना है, कोकाई, विब्रियो, कर दो फटाफट। तो हम कहेंगे कोकाई, चलो देखो कोकाई है, कोकस बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में, दे आर ओवल और द स्फेरिकल इन शेप, ओवल या फिर स्फेरिकल इन शेप होते हैं। व्हेन दे अकर सिंगली, जब सिंगली होते हैं तो हम इनको माइक्रोकोकस कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है ना बच्चा, छोटे हैं। इफ पेयर तो डाइकोकस, इन चेन तो स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक आपकी शायद याद होगा एक एंटीबायोटिक भी है। इट अकर्स इन अ क्लस्टर, तो हम इसको स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस भी बुलाते हैं। तो अलग अलग नेम्स देने के तरीके हैं।
बैसिलस ये कि रॉड लाइक शेप होती है इसकी, इसकी शेप कैसी होती है रॉड लाइक, ऐसी रॉड लाइक शेप होती है इसकी, ठीक है, विदाउट फ्लैजिला, कोई फ्लैजिला नहीं है, मतलब विद ये प्रेजेंट एट वंस एट द एंड ऑफ द राउंड सेल्स, सेल्स के एंड में ये पाई जाती है। बैक्टीरिया में भी अगर सिंगली सिंगली है तो बैसिलस, और इन अ पेयर तो डाइपो बैसिलस, और फॉर्म कर सकते हैं फिलामेंट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबिलस, बहुत सारी फॉर्म में ये पाई जाती है। फिर विब्रियो, छोटू सा कर्व लाइक कॉमा शेप, कुछ ऐसी कॉमा शेप जैसा होता है ये, कॉमा लाइक शेप होती है, दिस अगर मोस्टली मोटाइल होते हैं ज़्यादातर ये, ठीक है, ज़्यादातर मोटाइल होते हैं। फिर स्फेलिगम, दीज आर ट्विस्टेड लाइक अ स्क्रू, जैसे कि ऐसे ट्विस्टेड होते हैं ये, ऐसे ट्विस्टेड होके मिलते हैं हमें ये, दे हैव फ्लैजिला एट वन एंड, फ्लैजिला होता है और बोथ एंड्स पे भी हो सकता है। सर्टेन बैक्टीरिया पॉजेस फ्लैजिला फॉर द लोकेशन, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इस फ्लैजिला का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, लोकोमोशन के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट शो करने के लिए। आफ्टर दैट आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है मिथानोजेंस पे, मिथानोजेंस वो है जिनका काम होता है मीथेन फॉर्मेशन करना, जिनका काम है मीथेन का फॉर्मेशन। हेलोफाइल जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, और थर्मो एसिडोफिल्स वो होते हैं जो कि एक्सट्रीम हीट में रहते हैं और हाई एसिडिटी में रहते हैं। तो मतलब ये सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया के टाइप हैं, इन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देखो क्या क्या लिख सकते हो आप, मिथानोजेंस ये आर्की बैक्टीरियल है, स्ट्रिक्ट एनारोब्स है, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए। न्यूट्रिशनली दे आर ऑटोट्रॉफ्स, और अपना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती हैं। एनर्जी ये दोनों ऑब्टेन करते हैं कार्बन से और या फिर किसी भी डिकम्पोजिशन करके मीथेन बनाते हैं। दे आकर इन अ मार्शी एरिया में मिलते, दलदल वाले इलाकों में मिलते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH होता है बेटा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, किस में कन्वर्ट करते हैं CO2 में और CH4 में, अगर आप मिथानोजेंस डाल दो इसमें तो। और दे कैपेबली ऑफ द कमर्शियली एक्सप्लोइट इन द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन, मीथेन के प्रोडक्शन के लिए इनका बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, फ्यूल गैस, गोबर गैस प्लांट, कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे एग्जाम्पल है, मिथानो बैक्टीरिया और मिथानो कोकस, कोकस क्योंकि कोकाई शेप है। फिर हेलोफिल्स, द नेम जैसा है, मतलब कि दे अकर इन अ सॉल्ट रिच सबस्ट्रेट, सॉल्ट मार्शी एरिया, इसके एग्जांपल है हेलो बैक्टीरियम और हेलो लोकस। दे आर एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन चाहिए, कीमो हेटरोट्रॉफ, और कितनी बार केमिकल की मदद से हेटरोट्रॉफिक है। सेल मेम्ब्रेन हैव द रेड कार्टिनो पिगमेंट फॉर प्रोटीन, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सोलर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ये याद रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है, याद रखेंगे जरूर। हेलोफिल्स आर एबल टू लिव अंडर अ हाई सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, क्यों, तीन स्पेशल फीचर्स बताओ, तो प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल लिपिड्स, इनके पास एक सेल मेम्ब्रेन में कार्टिनोपोलेट पिगमेंट्स, अक्रेंस ऑफ द म्यूसिलेजनस कवरिंग, इनके ऊपर एक म्यूसिलेजनस डबल डबल कवरिंग होती है, और एब्सेंस ऑफ सैप वैक्यूल, वैक्यूल नहीं होता इसमें, इसलिए प्लाज्मोलाइसिस कर सकता है ये, ठीक है। फिर थर्मो एसिडोफिल्स, दीज आर्की बैक्टीरिया हैव ड्यूअल एबिलिटी, दो दो एबिलिटी हैं, मतलब कि टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज द हाई एसिडिटी, दोनों कर सकते हैं ये टॉलरेट, भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो गए। और हैं दे ऑफ्टन लिव इन द हॉट सल्फर स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर 80 डिग्री है, पीएच 2 से नीचे पीएच में रह सकते हैं, एक्सट्रीम एसिडिक हो जाती है, तभी तो इनको थर्मोप्लाज्मा थर्मोप्रोटोसिस के एग्जाम्पल्स हैं। आर्की बैक्टीरिया केमोसिंथेसिस है, मतलब केमिकल से खाना लेते हैं नाइट्रेट वगैरह के ऑक्सीडेशन से। एरोबिक कंडीशन में ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फर को सल्फोनिक एसिड में, देखो ये दिख रहा है, सल्फर था वाटर और ऑक्सीजन डाल के सल्फोनिक एसिड बना दिया। थर्मो एसिडिफिल ऐसा क्यों कर पाते हैं, दो रीज़न, एक तो इनके पास ब्रांच चेन लिपिड होते हैं, लिपिड इस तरीके से ब्रांच चेन्स में, आप देखोगे कि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ब्रांच फॉर्म में पाया जाता है। फिर प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल, स्पेशल क्या प्रेजेंट है इनके पास, रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि कैपेबल होता है इन दी ऑपरेटिंग अंडर हाई कंडीशन, तो रेजिस्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि हाई कंडीशन से इनको बचा के रखते हैं, ठीक है, इसीलिए ये टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है बेटा।
फिर वट आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया? कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो केमिकल से अपना खाना लेते हैं, कैसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ से जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो एटीपी निकलती है वहाँ से देख लो। तो दे आर बैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक फूड, बनाते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। भाई कोई भी ऑटोट्रॉफिक है तो वो इनऑर्गेनिक से ही बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द एक्सोजेनिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती है मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि एटीपी की फॉर्म में ट्रैप होती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बैक्टीरिया जो सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और आयरन बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने मोनेरा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे लगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स बिजनेस कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।